हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2017 टीयर वन का सेट 39। ये प्री के सेट्स हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। सीजीएल 2017 टीयर वन यानी प्री के सेट्स हैं ये। और ये पेपर आपका हुआ था 22/8/2017 को आफ्टरनून शिफ्ट में। ये रियल क्वेश्चंस हैं, और जब आप रियल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपको एक आइडिया लगता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या पूछे जा सकते हैं फोर्थ कमिंग एग्जाम्स में। और एसएससी के ये क्वेश्चंस एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो सीपीओ हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो और सीएचएसएल हो, उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। और स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस में सबसे बेस्ट टेक्निक होती है कि आपको पार्ट बाई पार्ट जाना है पढ़ते हुए, और जैसे ही वहाँ पर एरर आएगी तो थोड़ा सा आपको वहाँ पर एक डाउट सा होगा कि यहाँ पर कुछ गलत सा लग रहा है, तो इसलिए पार्ट वाई पार्ट उसको एनालाइज करना जरूरी रहता है। द सेलर्स डिवाइडेड हिज मनी अराउंड देम सेल्फ। देखिए, डिवाइड जब होता है, कोई किसी चीज़ को आप डिवाइड करते हैं तो दो या तीन चीज़ों के बीच में या चार पाँच चीज़ों के बीच में आप डिवाइड करते हैं, कई सारे लोगों के बीच में उसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड के साथ यहाँ पर ये जो प्रपोजिशन लगा है, क्या ये सही है? अराउंड का मतलब तो चारों तरफ होता है, ठीक है? तो इसके स्थान पर आपके लिए सही प्रपोजिशन क्या होना चाहिए? द सेलर्स डिवाइडेड हिज मनी अराउंड, अराउंड नहीं होगा, हिज मनी अमंग देमसेल्व्स। तो इसके स्थान पर आप अमंग देमसेल्व्स बोल सकते हैं, क्योंकि दो से ज्यादा की बात हो रही है। यदि दो होते तो यहां पर आप बिटवीन लगा सकते थे, ठीक है? लेकिन इसमें यहां पर ये हिज जो है ये भी इसमें गलत है, ये या तो मिसप्रिंट है या ये गलत है। यहां पर होगा द सेलर्स डिवाइडेड देयर मनी, हिज मनी नहीं होगा ये। लेकिन यहां पर गलती जो मानी गई है, एसएससी ने भी इसमें यहीं पर इसमें गलती मानी है, लेकिन ये यहां पर कुछ ना कुछ या तो मिसप्रिंट होगा या फिर कुछ और, इसको हम कंसीडर अभी नहीं कर रहे हैं, इसमें हम बी में ही इसमें गलती मानेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू फॉर गेटिंग मी ऑफ द हुक। देखिए, ऑफ द हुक क्या है? ऑफ द हुक एक्चुअली एक ऐसी सिचुएशन को रेफर करता है, ऐसी सिचुएशन को बताता है जिसमें कोई व्यक्ति परेशानी में है। हुक, हुक से हम क्या करते हैं? हुक से हम किसी चीज को टांगते हैं। तो यदि कोई चीज टंगी हुई है, इसका इस सेंस ये निकल रहा है कि कोई व्यक्ति परेशानी में है, और यदि वो ऑफ द हुक हो जाता है तो उस हुक से वो निकल गया, उस परेशानी से वो बाहर आ गया। एक्चुअली यहां पर होना चाहिए OFF ऑफ, क्योंकि उसका मतलब होता है, वो इंडिकेट करता है डिस्टेंस को, दूरी को, मतलब वो हुक से दूर चला गया। हुक का मतलब है, हुक का यदि मेटाफोरिकल मीनिंग माना जाए तो फिगरेटिव मीनिंग यदि माना जाए तो हुक का मतलब होगा परेशानी। तो ऑफ द हुक मतलब वो परेशानी से दूर चला गया। तो यहां पर आपको ये वाला इसमें ऑफ यूज होता है, इस ऑफ का मतलब होता है दूर, ठीक है? तो ऑफ द हुक मतलब, इसलिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह रहा है कि थैंक यू फॉर गेटिंग मी, मतलब मुझे परेशानी से बाहर निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर गेटिंग मी। अब यहाँ पर फॉर है तो फॉर के साथ प्रपोजिशन लगा है, यहाँ पर जेरेंड फॉर्म लगा है, ये सही है, ठीक है? लेकिन ओ एफ के स्थान पर OFF इसमें आएगा। तो इस तरह के जो प्रपोजिशन ओरिएंटेड एरर्स हैं ये एसएससी में काफ़ी पूछी जाती हैं, क्योंकि इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं। ये ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, प्रपोजिशन रिलेटेड एक मिस्टेक है, और इस तरह की मिस्टेक्स काफ़ी कॉमनली पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा सी, ऑफ द हुक। आप देख सकते हैं यहाँ पर नो लॉन्गर इन डिफिकल्टी और ट्रबल, यदि आप ऑफ द हुक हैं तो अब आप परेशानी में नहीं हैं, आपकी परेशानी अब हट चुकी है, ठीक है? ये फिलर्स के क्वेश्चंस हैं। इट टुक सेवरल मैन टू द फॉलन ट्री आउट ऑफ आर यार्ड। देखिए, यार्ड क्या होता है? यार्ड होता है जैसे घरों में अपने एक आंगन होता है जहां पर सारे लोग बैठते हैं, खेलते हैं, ठीक है? उसको हम बोलते हैं यार्ड। फॉलन ट्री मतलब गिरा हुआ पेड़, जो पेड़ गिर गया है। तो पेड़ यदि गिर गया है तो उसको आप क्या करेंगे? उसको आप फिर से इरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो पेड़ तो गिर गया है ना, तो इसलिए वहां पर उसको फिर से आप खड़ा नहीं कर सकते। तो इरेक्ट हम एक्चुअली फिजिकल सेंस में यूज करते हैं, किसी बिल्डिंग को खड़ा करना, किसी टॉवर को खड़ा करना। तो पेड़ चूंकि गिर चुका है, वो डेड हो चुका है, वहां पर उसको खड़ा आप नहीं कर सकते, तो इसलिए इरेक्ट यहां पर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होगा। इस्टेब्लिश माने स्थापित करना, तो पेड़ को आप इस्टेब्लिश नहीं करते हैं, पेड़ के साथ इस्टेब्लिश वर्ड नहीं आएगा, ठीक है?
रिवेट का मतलब होता है फिक्स करना। तो जैसे जैसे एक दीवार में कील लगी हुई है, वो कील वहां से निकल गई तो उसको आप रिवेट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं ताकि वो वहां से हिले नहीं। तो रिवेट का सेंस भी यहां पर नहीं लगेगा। हाउल का मतलब होता है उसको ड्रैग करना, उसको खींचना वहां से। तो ड्रैग कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं हाउल का मीनिंग पुल और ड्रैग विद एफर्ट और फोर्स, किसी चीज को ड्रैग करना एफर्ट लगा के उसको खींचना वहां से। जैसे जैसे एक पेड़ गिर जाता है तो वहां से खींचते हुए हम उसको बाहर ले जाते हैं, दूसरी जगह उसको उसको हम रख देते हैं। तो हाउल इसमें सही वर्ड है यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। रिवेट का मतलब होता है फिक्स करना किसी चीज को। तो इरेक्ट और इस्टेब्लिश सही क्यों नहीं होंगे ये मैंने आपको बताया, और रिवेट भी यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। तो सही यहाँ पर आंसर होगा आपका हाउल। काफ़ी सारे वर्ड्स को आप जैसे चार ऑप्शन हैं तो उसमें से दो ऑप्शन को आप एटलीस्ट निकाल सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि दो ऑप्शन को आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। जैसे इसमें इरेक्ट और इस्टेब्लिश बिल्कुल नहीं हो सकते, हाउल या रिवेट में से एक हो सकता है। तो इस तरीके से एलिमिनेट एलिमिनेट करना आपको सीखना होगा, क्योंकि एलिमिनेट करने से आप आंसर तक जल्दी पहुंच सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ यू राइट अ 40-पेज एसे इन वन नाइट यू विल अकम्प्लिश अ ह्यूज। देखिए सेंटेंस को थोड़ा सा अच्छी तरीके से आप यदि पढ़ते हैं तो उसका कॉन्टेक्स्ट आप समझ सकते हैं। इफ यू राइट अ 40-पेज एसे, एसे मतलब निबंध, यदि आप निबंध लिखते हैं कितने पेज का, 40 पेज का, तो 40 पेज का निबंध लिखना क्या ये छोटा काम है? ये एक डिफिकल्ट काम है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, यू विल एकम्प्लिश अ ह्यूज, यदि आप 40 पेज का ऐसे एक नाइट में लिखते हैं तो आप एकम्प्लिश कर लेंगे आप ह्यूज। अब ह्यूज क्या है? ह्यूज एक एडजेक्टिव है, यानी यहां पर आपको एक नाउन चाहिए, ठीक है। आप एक बड़ा काम एकम्प्लिश कर सकते हैं, कर लेंगे यदि आप एक 40 पेज का ऐसे लिखते हैं। यहां पर आपको एक नाउन चाहिए। ट्रीट का मतलब क्या होता है? ट्रीट का मतलब व्यवहार करना भी होता है, पार्टी भी होता है। तो ह्यूज पार्टी का तो कोई सेंस नहीं बनेगा। फीट का सेंस बन सकता है, अभी मैं बताता हूँ इसका मीनिंग क्या है। फ्लीट, फ्लीट होता है शिप्स, शिप्स का जो ग्रुप होता है, तो फ्लीट का कोई सेंस नहीं है। बीट का मतलब मारना या पीटना होता है। फीट का मतलब होता है कोई बड़ा काम, कोई डिफिकल्ट काम, कोई बड़ा काम। तो फीट यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, फीट। इफ यू राइट अ 40-पेज एसे इन वन नाइट यू विल अकम्प्लिश अ ह्यूज फीट, ठीक है। तो आपको मीनिंग भी देखना है और कॉन्टेक्स्ट भी देखना है। वाइन का सिनोनिम आपको बताना है। वाइन का मतलब होता है, इस वर्ड को आपने देखा होगा लिटरेचर में, ये वर्ड यूज हुआ है 9th क्लास में, एक एक पोयम है उसमें ये वर्ड यूज हुआ है। वाइन का मतलब होता है रोना या शिकायत करना, रोते हुए शिकायत करना, जिसको हम ग्राइप भी बोलते हैं, ठीक है। तो ग्राइप यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। थ्रिल, लग्जरी और ग्रेटिफिकेशन, ये तीनों सिमिलर वर्ड है, जिसका मतलब होता है एक्साइटमेंट या सेटिस्फैक्शन, जैसे ग्रेटिफिकेशन का सेटिस्फैक्शन है। तो ग्राइप जो है ये वाइल का इक्विवेलेंट वर्ड है, ठीक है। तो ग्राइप यहाँ पर आपका आंसर होगा। इसके अलावा वाइन के लिए जो वर्ड्स हैं वो है ग्राइप, कंप्लेन, शिकायत करना। ब्लीट भी एक अच्छा वर्ड है, ब्लीट। ब्लीट एक्चुअली जो बकरी की आवाज़ होती है उसको भी हम बोलते हैं, ठीक है, ग्रम्बल करना या शिकायत करना। तो ग्राइप यहाँ पर आपका सही आंसर इसका होगा वाइन का। रेक्विजिट का मतलब क्या होता है? रेक्विजिट क्या है, जैसे हम बोलते हैं किस चीज़ के लिए क्या रेक्विजिट है, मतलब इस चीज़ के लिए क्या प्री कंडीशन है, इस चीज़ को करने के लिए क्या शर्त है। तो प्री कंडीशन यहाँ पर सही आंसर होगा। पेरिफेरल, देखिए जैसे जैसे सर्किल होता है तो सर्किल में एक ये है सेंटर और ये है पेरिफेरल। तो एक होता है सेंट्रल पार्ट यानी मेन पार्ट, और एक होता है पेरिफेरल मतलब जो मेन पार्ट नहीं है। तो पेरिफेरल इज समथिंग दैट इज नॉट मेन, दैट इज नॉट चीफ, ठीक है, पेरिफेरल। डेडवुड हम एक कैसे व्यक्ति को बोल सकते हैं, ऐसी वस्तु को बोल सकते हैं जो यूजलेस है किसी टारगेट को अचीव करने में। ट्रिबियल मतलब तुच्छ, जिसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, जिसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको हम बोलते हैं ट्रिबियल। तो प्री कंडीशन इसमें आपका सही आंसर होगा, ठीक है, रेक्विजिट का। आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे वर्ड मीनिंग्स मैंने लिखे हुए हैं, तो इनको भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बताने हैं एंटोनिम्स। डोमिनेट का मतलब ओवर पावर करना, किसी पर अपना आधिपत्य जमाना, ठीक है, अपना प्रभाव जमाना, डोमिनेट करना, उसको ओवर पावर करना।
तो इसके लिए कमांड हम बोल सकते हैं, डिक्टेट हम बोल सकते हैं। कमांड और डिक्टेट का मतलब भी होता है आदेश देना, किसी पर अपना हुक्म चलाना। प्रिवेल का मतलब होता है किसी चीज पर विजय हासिल करना, जीत जाना किसी चीज से। और यदि आप डोमिनेट नहीं करते हैं तो आप करते हैं सरेंडर। सरेंडर का मतलब अपने आप को सौंप देना, सरेंडर कर देना। तो डोमिनेट का अपोजिट होगा सरेंडर। डोमिनेट का सिनोनिम होगा ओवर पावर, ठीक है। सरेंडर इसका अपोजिट है। स्क्वेंडर, ये काफी कॉमन वर्ड है। स्क्वेंडर का अर्थ होता है किसी चीज को वेस्ट करना, मूर्खतापूर्ण तरीके से वेस्ट करना किसी चीज को, ठीक है। पैसे को या समय के सेंस में भी इसको आप यूज कर सकते हैं, स्क्वेंडर। अब आपको चाहिए इसका एंटोनिम। तो एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम इसका होगा इकट्ठा करना। और इकट्ठा करने के लिए काफी सारे वर्ड्स हैं। सेव है आपका, एक्यूमुलेट है, कलेक्ट है, असेंबल है, और होर्ड भी है। होर्डिंग, होर्डिंग का मतलब होता है काला बाजारी। जैसे कुछ बेईमान बिजनेसमैन जो होते हैं, जो किसी चीज़ का प्राइस बढ़ाने के लिए उस चीज़ की कालाबाजारी शुरू कर देते हैं, उस चीज़ को वो घरों में इकट्ठा कर लेते हैं, घरों में रख लेते हैं, और उसकी एक स्कैरसिटी क्रिएट कर देते हैं, उसकी कमी क्रिएट कर देते हैं, जिससे उसकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं, तो उसको भी हम होर्डिंग बोलते हैं, ठीक है। फ्रिबोल का मतलब है मूर्खतापूर्ण हरकत करना। फ्रिबोलस जो वर्ड है वो इसी से बना है, फ्रिबोलस यानी मूर्खतापूर्ण, सिली। डिसिपेट का मतलब भी वेस्ट करना होता है। एक्सपेंड, एक्चुअली ये PEND एक्सपेंड जो होता है, ये स्पेंड का इक्विवेलेंट है। एक्सपेंड मतलब स्पेंड यानी खर्च करना, और जो फैलाना वाला होता है वो होता है EXPAND, एक्सपेंड, जिससे जिससे वर्ब बनती है एक्सपेंशन। तो EXPEND एक्सपेंड मतलब खर्च करना, स्पेंड करना। होल्ड मतलब इकट्ठा करना। डिसिपेट मतलब वेस्ट करना। फ्रिबोल मतलब मूर्खतापूर्ण हरकत करना। तो यहाँ पर स्क्वेंडर का सिनोनिम, सॉरी एंटोनिम आपको चाहिए, तो एंटोनिम इसका होगा आपका होड, ठीक है। यहाँ पर आप वर्ड सारे देख सकते हैं, ये मैंने डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। नाइन्थ वर्ड देखते हैं, गो फॉर ए सॉन्ग। गो फॉर ए सॉन्ग का मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत सस्ती प्राइस में बिक जाना या उसको बेचना बहुत कम प्राइस में। तो सोल्ड चीपली इसका आंसर होगा, ठीक है। इसका एक्चुअली इसका जो रेफरेंस है, इस एडियम का रेफरेंस कहाँ से आया? इस एडियम का रेफरेंस आया है, जैसे आपने कभी आप कभी ट्रेवल करते हैं तो ट्रेन में या बस में आपने गाते हुए सिंगर देखे होंगे, जिनको हम स्ट्रीट सिंगर बोलते हैं। कोई बच्चा गा रहा है, कोई लड़की गा रही है, तो उसको हम बहुत कम पैसे देते हैं। नॉर्मली 1 रुपये 2 रुपये हम देते हैं उसको, काफ़ी ज़्यादा पैसा हम नहीं देते। तो गो फॉर ए सिंग का मतलब है किसी चीज़ का सस्ते में बिकना या बेचना उसको। गो फॉर ए सॉन्ग, वहां से इस एडियम का रेफरेंस एक्चुअली आया है। मेक एन एस आउट ऑफ समथिंग, अपने आप को, एस का मतलब होता है गधा, अपने आप को गधे जैसा बना लेना या महसूस करवाना, या किसी दूसरे व्यक्ति को स्टूपिड जैसा फील करवाना, उसको हम बोलते हैं मेक एन एस आउट ऑफ समथिंग। तो यहां पर इसका आंसर होगा कॉज समवन और वन सेल्फ टू लुक फूलिश और स्टूपिड। तो यहां पर आंसर होगा ए, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, आई वुड लव टू कम टू योर पार्टी, थैंक यू फॉर। अब फॉर के बाद क्या आएगा? फॉर के बाद, फॉर एक प्रपोजिशन है, तो फॉर के बाद यहाँ पर जेरंड फॉर्म आएगी, यानी इनवाइटिंग यहाँ पर आएगा आपका आंसर, इनवाइटिंग सी। मस्ट के साथ या तो मस्ट बी आप बोल सकते हैं या मस्ट हैव बीन बोल सकते हैं। प्रेजेंट टेंस में आप मस्ट बी बोल सकते हैं, मस्ट बी ऐसा होना ही चाहिए और ऐसा जरूर हुआ होगा पास्ट में। तो मस्ट के साथ बी लगा सकते हैं या हैव बीन लगा सकते हैं, लेकिन बीइंग नहीं आएगा, ये बीइंग गलत है, ठीक है। अब बी का ऑप्शन तो इसमें है नहीं, हैव बीन का ऑप्शन है, तो हैव बीन इसमें आ जाएगा, मस्ट हैव बीन पास्ट में, ये पास्ट में है। मस्ट बी प्रेजेंट में होता है, मस्ट हैव बीन पास्ट में होता है। इट मस्ट हैव बीन क्वाइट एन एक्साइटिंग टाइम टू बी अलाइव, मतलब उस समय जीवित रहना काफ़ी एक्साइटिंग रहा होगा, ये इस सेंटेंस का मतलब है। नेक्स्ट हम देखते हैं, फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न। कोई चीज़ जैसे 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 आप यदि कहीं जैसे किले वगैरह पर जाते हैं, फोर्ट में जाते हैं, तो वहाँ पर एक बिल्डिंग होती है जिसको हम बोलते हैं भूल भुलैया, जिसको हम लेबिरिंथ भी बोलते हैं, जिसमें काफ़ी सारे ट्विस्ट और टर्न रहते हैं, और उसमें एक बार यदि आप घुस गए तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल रहता है। उसमें काफ़ी सारे रास्ते रहते हैं अंदर, काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहता है वो स्ट्रक्चर, तो उसी को हम बोलते हैं लेबिरिंथ। उसको हम टॉर्चुअस भी बोल सकते हैं, टॉर्चुअस। तो टॉर्चुअस यहाँ पर आपका आंसर होगा।
स्मूथ मतलब एकदम चिकना, सिंच मतलब एकदम सरल काम, फैसाइल का मतलब भी सरल काम होता है, टॉर्चुअस यानी कॉम्प्लिकेटेड, लॉन्ग एंड कंफ्यूजिंग, और इसके लिए एक वर्ड और है सिनुअस। सिनुअस का मतलब होता है लॉन्ग एंड कंफ्यूजिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड। और सिनुअस और सिनफुल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सिनफुल होता है पापी, दुष्ट व्यक्ति, उसको हम बोलते हैं सिनफुल। सिनुअस होता है घुमावदार। सिंच होता है एक्सट्रीमली इजी टास्क, बहुत सरल काम। फैसाइल होता है इजीली अचीव्ड या एफर्टलेस। तो ये सारे मीनिंग है, काफी इंपॉर्टेंट ये वर्ड्स हैं, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ मैजिक, जैसे कोई व्यक्ति जादू टोना या करता है, जादू टोना का जो प्रैक्टिस करता है उसको हम विच क्राफ्ट बोलते हैं। विच क्राफ्ट, विचरी भी उसको आप बोल सकते हैं, विचरी, ठीक है। विच क्राफ्ट या विचरी आप बोल सकते हैं। पेल्पेबल होता है नोटिसेबल, जिसको आप नोटिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। सब्सटेंशियल मतलब कंसिडरेबल अमाउंट, एक बड़ा अमाउंट, एक अच्छा अमाउंट। कोई भी चीज़ सब्सटेंशियल है तो मतलब एक अच्छी संख्या में है या वो अच्छी क्वांटिटी में है, ठीक है। कॉर्पोरल होता है बॉडी से रिलेटेड, जैसे कॉर्पोरल पनिशमेंट में हम क्या करते हैं, उसको फांसी देते हैं। तो कॉर्पोरल मतलब बॉडी से रिलेटेड, सब्सटेंशियल मतलब कंसिडरेबल अमाउंट, गुड अमाउंट या गुड टाइम या कंसिडरेबल टाइम। विचरी या विचक्राफ्ट मतलब जादू टोना, पेल्पेबल मतलब नोटिसेबल, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एसएससी में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड भी पूछ सकते हैं और इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड भी पूछ सकते हैं, दोनों ही पूछ सकते हैं। तो अंड्यूलेट, अंड्यूलेट का क्या मीनिंग है? जैसे जैसे पानी की, समुद्र में जो पानी की वेव होती है वो इस तरीके से ऊपर नीचे जाती है, इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं अनड्यूलेट। और अनड्यूलेट की स्पेलिंग है UNDULATE, ये इसकी सेकेंड वाली सही स्पेलिंग है, अनड्यूलेट। और इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं? रिपल हो सकता है सिनोनिम इसका, स्विंग हो सकता है, ऑसिलेट हो सकता है, बॉबल हो सकता है, ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हैं। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड रेवलर। रेवलर मतलब जो जो मौज मस्ती करता है अपने दोस्तों के साथ, उसको हम बोलते हैं रेवलर। रेवलर की स्पेलिंग है REVELERS, REVELERS, ये थर्ड वाली सही स्पेलिंग है इसकी। नेक्स्ट देखते हैं, वी ड्रैंक अ लिटिल एंड फ्लंग, मतलब हमने थोड़ा सा ड्रिंक किया, और फ्लैंग, फ्लैंग के बाद फ्लैंग अवर सेल्फ्स डाउन। अब देखिए फ्लैंग, फ्लैंग किसको किया? वी ड्रैंक अ लिटिल एंड फ्लंग, मतलब वहां पर हम कूद, वहां पर हम उछल कूद मचाने लगे। फ्लंग आर सेल्फ्स डाउन, फ्लंग आर सेल्फ्स डाउन मतलब हमने अपने आप को वहां पर, हमने थोड़ा सा ड्रिंक किया और उसके बाद हमने वहां पर हम कूद गए, या मस्ती मजाक का मतलब एक सीन चल रहा है उसकी ये बात हो रही है। तो फ्लंग आर सेल्फ्स डाउन, यहां पर लॉजिकली ये सेंटेंस फर्स्ट होगा, फ्लंग आर सेल्फ्स डाउन ऑन द। अब ऑन द मतलब कहां पर? ऑन द मतलब यहाँ पर आपको एक नाउन चाहिए, ऑन द सरफेस, ऑन द सोफा, कुछ भी। तो ऑन द सैंड लॉजिकली इससे जुड़ रहा है, ऑन द सैंड थ्रू आउट टायर्ड आउट एंड सून वर ऑल अस्लीप, हम बहुत बुरी तरीके से थक गए थे और उसके बाद हम सो गए। तो ये एक्चुअली इंसिडेंट, किसी इंसिडेंट की इसमें बात हो रही है, कुछ लोगों ने पार्टी को सेलिब्रेट किया है, उसके बाद उन्होंने ड्रिंक किया है, उसके बाद वो वहाँ पर सोफा पर या सरफेस पर बैठ गए हैं, उसके बाद उनको नींद आ गई है। तो इस तरीके से ये पूरा घटना चक्र इसमें चलता है। तो जेड बाय और एक्स, जेड बाय और एक्स, जेड बाय और एक्स, डी इसमें आपका आंसर होगा, ठीक है। आपको लॉजिकली केवल केवल कनेक्ट करना है, और लॉजिक यदि आप अप्लाई करना जानते हैं तो इनको आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक्वस रॉक्स ऑफ इक्वल, रॉक्स की बात हो रही है इसमें, ठीक है, ये ज्योग्राफी से कहीं से उठाया है ये क्वेश्चन। रॉक्स, रॉक्स का ये टाइप है एक्वस, एक्वल रॉक्स ऑफ इक्वल। इक्वल का मतलब होता है, यहाँ पर अब कुछ नाउन चाहिए, कि किसी रॉक की बात हो रही है जो कि जिसकी जिसकी डेंसिटी इक्वल है, जिसका साइज इक्वल है, जिसकी हाइट इक्वल है, क्या चीज़ उसकी इक्वल है। तो इक्वल के साथ यहाँ पर आ जाएगा एंटिक्विटी, मतलब उसकी जो ओल्डनेस है, एंटिक्विटी मतलब ओल्डनेस, वो कितनी पुरानी है, वो एक ही तरीके से पुरानी है, ठीक है। तो
तो इक्वल के साथ यहाँ पर एंटीक्विटी वर्ड आ सकता है, जिसका मतलब होता है ओल्डनेस. इक्वल एंटीक्विटी एक्सटेंड फॉर हंड्रेड्स ऑफ माइल्स. जो एक्वस रॉक्स होती हैं, जिनकी एंटीक्विटी बराबर है, वो एक्सटेंड करती हैं हंड्रेड ऑफ माइल्स तक. कहाँ पर? ओवर द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका. ये हो जाएगा सेकेंड, ये हो जाएगा फर्स्ट. एंड एग्जिबिट इन लाइक मैनर आ स्ट्रेटिफिकेशन नियरली अनडिस्टर्ब. और वो एग्जिबिट करती हैं लाइक मैनर में. स्ट्रेटिफिकेशन मतलब उसमें अलग अलग लेयर्स होती हैं जो कि अनडिस्टर्ब रहती हैं. तो यहाँ पर ये लॉजिक हो जाएगा इसका, जेड बाय और एक्स, जेड बाय और एक्स, जेड बाय एक्स. इसमें होगा आंसर ए. ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये प्री के क्वेश्चंस हैं, ये एसएससी सीजीएल प्री के क्वेश्चंस हैं. और सीजीएल टीयर टू या दूसरा जो टीयर टू रहता है दूसरे एग्जाम्स का, उसमें आप देख सकते हैं लेवल इससे एक स्टेप ऊपर होगा. तो इससे एक आइडिया लगेगा आपको कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं. द क्लास इज रिक्वायर्ड टू वॉच अ वीडियो ट्यूटोरियल एवरी डे. देखिए, इसमें एक ऐसा सेंटेंस दिया है जिसमें पैसिव टू पैसिव आपको चेंज करना है. ये एक्चुअली एक्टिव वॉइस नहीं है, ये पैसिव है. और इसका एक दूसरे तरीके से भी पैसिव बन सकता है. जैसे इसमें क्लास सब्जेक्ट है, इज रिक्वायर्ड टू वॉच, यहाँ तक ये वर्ब है. और अ वीडियो ट्यूटोरियल ये ऑब्जेक्ट है, ये एक्स्ट्रा है, एडवर्ब है ये. तो आपका ये ऑब्जेक्ट है इसमें, ये इसमें वर्ब है और ये इसमें सब्जेक्ट है. तो एक दूसरा पैसिव वॉइस यहाँ से बन सकता है, अ वीडियो ट्यूटोरियल. ठीक है, और दूसरा जो पैटर्न है उसमें टू वॉच का, टू बी वॉच्ड हो जाएगा, टू बी के साथ थर्ड फॉर्म. अ वीडियो ट्यूटोरियल इज रिक्वायर्ड टू बी वॉच्ड बाय द क्लास एवरी डे. तो इसमें ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट टू का, टू वॉच का टू बी वॉच हो जाएगा पैसिव वॉइस में. ये पार्ट जो है ये और किसी में नहीं है, देखिए. लेकिन ये दोनों ही पैसिव है, ये भी पैसिव है, ये भी पैसिव है. ये एक पैटर्न है, ये दूसरा पैटर्न है. आप एक चीज को इस तरह से भी बोल सकते हैं और इस तरह से भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये एक अच्छा सेंटेंस है. तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला, अ वीडियो ट्यूटोरियल इज रिक्वायर्ड टू बी वॉच्ड बाय द क्लास एवरी डे. दोनों ही ये सेम पैटर्न है, लेकिन दोनों का सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, तो उनका मीनिंग सेम निकलता है. लेकिन देखिए, इसको थोड़ा सा और मैं समझा देता हूँ आपको. यदि आप ऐसे बोलते हैं, पीपल से दैट ही इज 108 ईयर्स ओल्ड, लोग कहते हैं कि वो 108 साल का है. अब इसको आप पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? इसको आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं या आप ऐसे बोल सकते हैं. ये दोनों सेम स्ट्रक्चर है. देखिए, पीपल से के स्थान पर आ जाएगा इट इज सैड. पीपल से समथिंग. एक्चुअली यदि यहाँ से इसको ब्रेक करें तो इसका मतलब है पीपल से समथिंग, जिसमें पीपल सब्जेक्ट है, से वर्ब है और समथिंग ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो समथिंग को हम इट में चेंज कर देंगे, तो पीपल से का हो जाएगा इट इज सैड. पीपल से का पैसिव वॉइस हो जाएगा इट इज सैड. उसके बाद ये पूरा सेंटेंस आप लगा सकते हैं, पीपल से समथिंग, पीपल से वॉट, पीपल से दिस थिंग. तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं इट इज सैड बाय द पीपल दैट ही इज 108 ईयर्स ओल्ड. तो ऐसे भी बोल सकते हैं और इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ही इज सेड टू बी 108 ईयर्स ओल्ड. तो ये दोनों ही पैसिव वॉइस हैं, दोनों का पैटर्न अलग अलग है. वही सेम चीज इसमें मैंने समझाने की कोशिश की है आपको. ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर जो होगा वो होगा, इसका आंसर ए होगा. माई फादर सेज प्राइसेस आर शूटिंग अप अलार्मिंगली. तो इसमें जो प्रिंसिपल वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो इसमें टेंस हम चेंज नहीं करेंगे इसमें. ठीक है, आर शूटिंग अप का आर शूटिंग अप ही रहेगा. यानी इसमें आप ये वाला सेंटेंस बोल सकते हैं, लेकिन इसमें सेज के स्थान पर सैड हमने बोला है यहाँ पर. तो ये सही इसलिए होगा क्योंकि इसमें टेंस चेंज नहीं हुआ है, लेकिन प्रिंसिपल वर्ब को मेन वर्ब में चेंज कर दिया है. लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका मीनिंग वही निकलेगा. तो इसलिए इसमें जो आंसर हम लेंगे वो डी ही लेंगे, डी ही इसमें हम आंसर मानेंगे. एसएससी इस तरह के क्वेश्चंस कंफ्यूज करने के लिए देता है. ठीक है, लेकिन इसमें सेंस वही निकलेगा, चूंकि फर्स्ट में हमने सिंपल टेंस लगाया है, तो सिंपल टेंस चेंज नहीं होगा प्रिंसिपल वर्ब की वजह से. यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, तो इसको हम टेंस को इसका चेंज नहीं करेंगे. इसका टेंस चेंज जो अनचेंज्ड टेंस है वो इसी में है. ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इसको पढ़ते हैं। मैनी प्लेज एंड फिल्म्स हैव बीन डिपिक्टेड द लाइफ स्टोरी ऑफ गौतम बुद्धा। मैनी प्लेज एंड फिल्म्स हैव डिपिक्टेड द लाइफ स्टोरी ऑफ गौतम बुद्धा, मतलब काफ़ी सारी फिल्म्स ने और काफ़ी सारे प्लेज ने गौतम बुद्धा की लाइफ स्टोरी को डिपिक्ट किया है, उसको बताया है, उसको दर्शाया है, ठीक है। बट वॉट मेड द म्यूजिकल प्ले द वे अक्रॉस यूनिक। द वे अक्रॉस क्या है? द वे अक्रॉस एक म्यूजिकल प्ले है, ठीक है। इसमें बुद्धा के बारे में बताया है, तो उसी की इसमें बात हो रही है। द वे अक्रॉस यूनिक वॉज इट्स रीजनल फोकस। लेकिन इसमें इस म्यूजिकल प्ले में खास बात क्या है कि इसमें रीजनल चीज़ों को फोकस किया गया है, रीजनली इसमें गौतम बुद्धा की स्टोरी को फोकस किया गया है। और डायरेक्टेड बाय जी कुमार स्वामी, जी कुमार स्वामी ने इसको डायरेक्ट किया है। द प्ले इज अडेप्टेड फ्रॉम द बुक तेलंगाना लो। ये एक बुक है तेलंगाना लो, यहां से इस म्यूजिकल प्ले को अडेप्ट किया गया है, यहां से इसको लिया गया है और इसको चेंज करके बनाया गया है, अडेप्ट किया गया है। ये IO भी हो सकता है, ये एक्चुअली तेलंगाना तेलंगाना लो ही लग रहा है ये। इसके आगे पढ़ते हैं। बुद्धिज्म फोकस्ड ऑन द इनलाइटनमेंट ऑफ अ कर्स्ड ब्राह्मण बाबरी। बुद्धिज्म को इसमें ये बताया गया है कि एक एक कर्स ब्राह्मण होता है, एक अभिशापित, उसके ऊपर एक श्राप लगा हुआ है, ठीक है। एक उसका नाम है बाबरी, उसकी स्टोरी है इसमें। एंड हिज 16 क्यूरियस डिसाइपल्स, और उसके बाबरी इसमें मेन करेक्टर है, और उसके 16 चेले हैं, शिष्य हैं। डिसाइपल्स मतलब चेले, और वो जिज्ञासु हैं, क्यूरियस मतलब जिज्ञासु। चेले उसके कितने हैं? 16। विलिंग टू अंडरस्टैंड द डीपर ट्रुथ ऑफ बर्थ डेथ रीबर्थ एंड ब्रदरहुड। तो वो इसके बारे में जानना चाहते हैं कि एक एक इंसान का जन्म क्यों होता है, डेथ क्यों होती है, रीबर्थ उसका क्यों होता है, ब्रदरहुड के बारे में वो जानना चाहते हैं, वो क्यूरियस हैं। फ्रॉम द इम्प्रेसिव यूज ऑफ प्रोजेक्टर विजुअल्स, म्यूजिक एंड शेडो प्ले, देयर वॉज एवरी एफर्ट टू लैंड ऑथेंटिसिटी टू द थीम। इन सारी चीज़ों के साथ, प्रोजेक्ट विजुअल का उसमें यूज़ किया है, म्यूजिक का उसमें यूज किया है, शेडो प्ले का उसमें यूज़ किया है, तो इन सभी चीज़ों की मदद से एक ऑथेंटिसिटी देने की कोशिश उसमें की गई है कि थीम के साथ वहाँ पर न्याय हो, ठीक है। डिस्पाइट द प्लेज फोकस ऑन तेलंगाना, द नेटिव एसेंस वॉज कम्प्रोमाइज। मतलब डिस्पाइट द प्लेज फोकस ऑन तेलंगाना, तेलंगाना पर उसको फोकस के बावजूद उसका जो नेटिव एसेंस है उसको कंप्रोमाइज़ किया गया है। उसमें नेटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया है उसको, या उसको अच्छे तरीके से नहीं बताया गया है। ड्यू टू द इंग्लिश रेंडिशन डन फॉर ए वाइडर रीच, द लाइन्स अपीयर्ड जेडेड विद लिटल ट्रांसलेशन। उसमें किसी दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन भी किया है, लेकिन वो थोड़ा सा जेडेड दिखाई देता है, वो सही तरीके से दिखाई नहीं देता, वो थोड़ा सा फीका फीका भद्दा भद्दा सा दिखाई देता है। द लाइन्स अपियर्ड जेडेड विद लिटल ट्रांसलेशन, द ऑनेस्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम द क्रू। क्रू का मतलब होता है पूरा ग्रुप, ठीक है। तो द ऑनेस्ट परफॉर्मेंसेस फ्रॉम द क्रू इम्पैक्टेड ओनली ऑन ए सरफेस लेवल। सरफेस लेवल पर ही ये इम्पैक्ट कर पाए हैं। द ऑनेस्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम द क्रू इम्पैक्टेड ओनली ऑन सरफेस लेवल। परफॉर्मेंस उनकी ऑनेस्ट है, लेकिन उसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, वो सरफेस लेवल पर उनकी परफॉर्मेंस दिखती है। किरण कुमार्स बाबरी एक्ट, किरण कुमार ने बाबरी का रोल किया है, और कृष्णा चैतन्य जोशी एस पिंगिया का रोल किया है, ठीक है। सेट टू हैव प्रोपोगेटेड बुद्धिज्म फ्रॉम तेलंगाना टू सेवरल रीजनल अक्रॉस साउथ इंडिया। और पिंगिया के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसने प्रोपोगेट किया है बुद्धिज्म को, उसने बढ़ावा दिया है बुद्धिज्म को तेलंगाना से लेके साउथ इंडिया तक, ठीक है। ये चीज मतलब पिंगिया का जो रोल है ये आपका अटेंशन को ग्रैब करता है, आपका ध्यान खींचता है, तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा टफ है। ये प्री सीजीएल प्री का एक पैसेज है। व्हाट वाज द सेक्रीफाइस टू कीप द प्ले इन इंग्लिश। इसमें सेक्रीफाइस क्या किया गया है? व्हाट वॉज द सेक्रीफाइस टू कीप द प्ले इन इंग्लिश, अ बिट ऑफ नेटिव एसेंस। देखिए यहां पर एक बार पढ़ लेते हैं इसको। डिस्पाइट द प्लेज फोकस ऑन तेलंगाना, द नेटिव एसेंस वॉज कंप्रोमाइज।
ड्यू टू द इंग्लिश रेंडिशन, तो इंग्लिश रेंडिशन की वजह से इसका नेटिव एसेंस इसका जो है उसको कंप्रोमाइज किया गया है, उस पर समझौता किया गया है, ठीक है, अ बिट ऑफ नेटिव एसेंस को कंप्रोमाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट वाज यूनिक अबाउट द प्ले द वे अक्रॉस। वे अक्रॉस जो म्यूजिकल प्ले है उसमें यूनिक क्या है, उसमें यूनिक ये है कि उसमें रीजनल फोकस को बताया गया है, रीजनल फोकस पर ध्यान दिया गया है, ठीक है, ये पैसेज में बताया गया है। किरण कुमार प्लेड द रोल ऑफ, किरण कुमार ने बाबरी का रोल किया है, कर्स्ट ब्राह्मण बाबरी, ये है इसका आंसर डी। हु हेल्प्ड स्प्रेड बुद्धिज्म टू साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में बुद्धिज्म को किसने फैलाया, इसका आंसर होगा पिंगिया, ठीक है। हु डायरेक्टेड द प्ले द वे अक्रॉस, इसको प्ले इसको डायरेक्ट किया है जी कुमार स्वामी ने, इसका शुरू की दो लाइनों में ही इसको मैंने बताया था आपको, वहां पर दिया है इसका। तो इस तरीके से ये 25 क्वेश्चन हैं और इनके थ्रू आप देख सकते हैं कि आप एक आइडिया ले सकते हैं कि सीजीएल टीयर वन में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, टीयर टू में इससे थोड़ा सा ऊपर का लेवल होगा और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा होंगे। तो इस वीडियो क्लास के रिगार्डिंग कोई भी फीडबैक आप देना चाहते हैं तो इस ईमेल आईडी पर और इन नंबर्स पर आप मुझे दे सकते हैं। इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।